मोशन ऑफ कार इन सर्कुलर पाथ। आज हम देखेंगे जब कोई सर्कुलर टर्न होता है उस रोड पर किसी व्हीकल का मोशन, कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। जब हम एक फ्लैट ट्रैक लेते हैं, स्ट्रेट ट्रैक लेते हैं, तो कार किसी भी स्पीड से जा सकती है, कार की स्पीड आराम से कहीं भी जा सकती है। लेकिन अगर यही काम हम किसी सर्कुलर पाथ में करें जहां हमें एक सर्कुलर टर्न लेना है, तो वहां कार एकदम अनकंट्रोल होके नहीं जा सकती। उसके लिए उसे कोई एक फिक्स वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर कार की वेलोसिटी डिपेंड करती है ताकि वो सर्कुलर पाथ को सेफली क्रॉस कर सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने माना हमारे पास कार है जिसका मास m है और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी v है, और जो सर्कुलर ट्रैक हमें पार करना है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। जब ये कार किसी रोड पर है, मतलब कि जब ये सर्कुलर ट्रैक पर रखी हुई है, उस टाइम पर इस पर कुछ फोर्स लग रहे होंगे। सबसे पहले इसका वेट, वेट कहाँ लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर नीचे की ओर, दैट इज mg। रिएक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट के टॉप सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, दैट इज रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कैपिटल R। और इस पर एक फोर्स और लगेगा, दैट विल बी कैपिटल F, जो कि क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। किसी भी सेंटर की ओर जब हमें सर्कुलर मोशन करना होता है तो हमारे लिए एक फोर्स जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल F। और हम जानते हैं कि अगर एक्शन है तो रिएक्शन फोर्स भी होगा, मतलब कि यहाँ F है तो यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम यहाँ जाना चाह रहे हैं तो अगर सर्कुलर मोशन इस साइड होना चाह रहा है तो यहाँ किस साइड, इस साइड, ये इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो पीछे की साइड कौन सा लग रहा होगा, अपोजिशन फोर्स कौन सा लग रहा होगा, हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज स्मॉल F। तो सबसे पहले अगर कार बैलेंस कंडीशन में है तो हम जानते हैं जितना ऊपर फोर्स लगता है उतना ही नीचे फोर्स लगता है। सो इन बैलेंसिंग कंडीशन वी कैन से mg इक्वल टू r, इक्वेशन वन। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर m इज द मास ऑफ कार, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द रोड। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर्स विल बी fs, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो fs, और हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, f इक्वल टू म्यू इंटू r, where mu equal to frictional coefficient of the surface and r is the reaction force या normal force. तो F equal to mu into r, equation 2. Now equation 1 से हम जानते हैं r equal to m into g. तो r की value हम यहाँ put कर देंगे तो F equal to कितना आ जाएगा by equation 1 into F equal to mu into m into g. Now to cross safely circular road, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड ईदर इक्वल और लेस देन टू फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर हमें किसी सर्कुलर टर्न को सेफली पार करना है, क्रॉस करना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वल या उससे हमेशा कम। अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। सो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर शुड लेस इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ। नाउ एम वी स्क्वायर अपॉन आर रखा, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, म्यू एस इंटू एम इंटू जी, वैल्यू पुट कर दी तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा, इक्वल और लेस देन म्यू एस आर जी, एम से एम कैंसिल हो गया। या वेलोसिटी की इक्वल की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट म्यू इंटू आर इंटू जी। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितना होगा, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल है तो मैक्सिमम वेलोसिटी सेफली क्रॉस करने के लिए कितनी होगी, म्यू आर जी का होल अंडर रूट। दैट मीन्स अगर फ्रिक्शनल कोफिशियंट ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है। मीन्स अगर हमारे सड़क जो सर्कुलर टर्न है वहाँ की सड़क को हम थोड़ा सा स्लिपरी ना बना के फ्रिक्शन वाली बना दें, तो फोर व्हीलर्स जो होते हैं, जितने व्हीकल्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आराम से तेज गति से जा सकते हैं। रेडियस अगर जितना लॉन्ग टर्न हो, अगर ये हम बात करें कि जो सर्कुलर पाथ है आपका, उसका रेडियस क्या हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा वो स्पीड से जा सकता है। और जी तो हम जानते हैं, जी तो कॉन्स्टेंट ही होता है एक प्लेस पर, वैसे जी की वैल्यू वैरी करती है लेकिन पर्टिकुलर प्लेस पर जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। सो वी किस किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल कोफिशियंट ऑफ रोड एंड
पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की जब कोई कार किसी सर्कुलर टर्न पर मैक्सिमम वेलोसिटी से जा सकती है। अब इसी को आगे हम देखते हैं एक अगले टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड मोशन ऑफ कार ऑन बैंक रोड। अब बैंकिंग क्या कहलाती है? जब किसी सर्कुलर ट्रैक की बात हम करते हैं या जब हम सर्कुलर टर्न पे जाते हैं, तो जो हमारा ये पाथ है, अभी हम देखें तो हमारा ये जो सड़क का जो पाथ है, ये जितना हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ है उतना ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ है, मतलब कि इसका हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। लेकिन अगर हम इस साइड से जा रहे हैं, मतलब कि सेंटर हमारा कहाँ है, इस साइड, तो हम अगर यहाँ कुछ, अभी देखिए हम इस फ्लैट को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दिया। ये देखिए मैंने इस सड़क के पॉइंट को क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाने से अब हुआ क्या, ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया है, ऐसा ना हो के इस तरीके से हो गया, मतलब कि ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा अपनी पॉइंट से उठ गया है। इस चीज़ को हम बोलते हैं बैंकिंग, जब हम सड़क के एक हिस्से को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं किसी टर्न पर, तब इसको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग। और इस तरीके के रोड को हम क्या बोलते हैं, बैंक रोड। जब आप अपने घर, गली, शहर, मोहल्ले में जाते हैं तो जहाँ भी ऐसे शार्प टर्न आते हैं, आप देखेंगे हमेशा वहाँ मोड़ जिस साइड है उसके अपोजिट साइड क्या होगा, सड़क जो है वो फ्लैट ना होकर एक साइड से ऊपर की ओर उठी होती है, इसी को हम बोलते हैं बैंक रोड। तो हम देखेंगे मोशन ऑफ कार ऑन बैंक रोड। हमने माना कि हमारा एक जो इंक्लाइन प्लेन है, ये प्लेन कितना उठ गया हुआ है, थीटा डिग्री, मतलब कि फ्लैट रोड ना होकर कितनी हो गई, फ्लैट रोड थी लेकिन अब वो कितनी होगी, इतनी ऐसी रोड हो गई, किस साइड, जिस साइड उसको टर्न लेना है। तो ये कितना इंक्लिनेशन हो गया यहाँ से, एंगल थीटा। जब इस इंक्लाइन प्लेन पर कार की बात करें तो कार पर कितने फोर्स लग रहे होंगे, फिर से सबसे पहले उसका वेट mg हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। रिएक्शन फोर्स फ्लैट सरफेस के ऊपर की ओर, दैट इज कैपिटल R, दैट इज mg। नाउ सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा सेंटर की ओर, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर से अपोजिट की ओर, जहाँ उसको क्या करेगा, गाड़ी को फिसलने से रोकेगा, अपोजिट से F। तो अगर F यहाँ लग रहा है तो F के दो कंपोनेंट करें तो यहाँ जाएगा, एक जाएगा इधर, एक जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा हमारा कौन सा, F cos थीटा और ये F sin थीटा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये कैसी है, एक इंक्लाइन लाइन है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके, तो ये क्या आ जाएगा, F के दो कंपोनेंट, तो ये F cos थीटा और ये F sin थीटा। इसी तरीके से R है तो ये क्या बनाएगा, R cos थीटा और ये R sin थीटा। अब ये एंगल थीटा इसके कैसे हुआ, तो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसी कारण से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, अगर ये R है तो ये क्या हो गया, R cos थीटा, और ये क्या हो गया, R sin थीटा। नाउ तो फोर्स ऑन कार, फर्स्ट वेट ऑफ कार mg कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। रिएक्शन फोर्स R नॉर्मल टू कार। फ्रिक्शनल फोर्स F इनसाइड अलोंग द स्लोप पैरेलल टू रोड। एंड सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन R। बैलेंसिंग कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने क्या किया, डिकम्पोजिशन ऑफ R किया, तो एक R cos थीटा आ गया, R sin थीटा आ गया, F किया तो F cos थीटा और F sin थीटा, जो हम की ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं। बैलेंस कंडीशन की बात करें तो पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन देखें, तो वर्टिकल में ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, केवल एक, R cos थीटा, और नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, mg और F sin थीटा। तो कार अगर बैलेंसिंग कंडीशन में है, दैट मींस अपर फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो R cos थीटा इक्वल टू mg प्लस F sin थीटा, या mg इक्वल टू को हम क्या लिख सकते हैं, R cos थीटा माइनस F sin थीटा, इक्वेशन वन। ओरिजिन केस की बात करें तो इस साइड कितने फोर्स लग रहे हैं, F cos थीटा और R sin थीटा, और किससे बैलेंस हो रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन R से, हम क्या लिख सकते हैं, mv स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू R sin थीटा प्लस F cos थीटा, इक्वेशन टू। नाउ इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन वन, सो विल हैव mv स्क्वायर अपॉन R अपॉन mg इक्वल टू R sin थीटा प्लस F cos थीटा अपॉन R cos थीटा माइनस F sin थीटा। M से M कैंसिल, सो वी विल हैव V स्क्वायर अपॉन RG इक्वल टू
आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा आर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सभी से आर कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए या आर कॉस थीटा का डिवाइड कर दीजिए हर एक टर्म में। तो जैसे हम आर कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा टेन थीटा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, एफ अपॉन आर, ये आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा वन और एफ अपॉन आर एंड साइन अपॉन कॉस टेन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, टेन थीटा प्लस एफ अपॉन आर अपॉन वन माइनस एफ अपॉन आर इंटू टेन थीटा। नाउ एफ अपॉन आर किसके इक्वल होता है फ्रिक्शन कोफिशियंट के, दैट इज म्यू के। सो टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी की वैल्यू कितनी आ गई दिस वन, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, या वी की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है बैंक रोड को सेफली क्रॉस करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार कितनी होनी चाहिए अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। आर कार का सर्कुलर पाथ का रेडियस, जी ग्रेविटी, थीटा इंक्लाइन प्लेन का झुकाव, म्यू फ्रिक्शनल कोफिशियंट। स्पेशल केस, अगर हम म्यू की वैल्यू को जीरो कर दें दैट इज मिनिमम, देन व्हाट विल हैपन वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। चलिए सबसे पहले यहां देखें तो वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस, म्यू एंड थीटा पर। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शनल कोफिशियंट होगा उतना अच्छे से रोड क्रॉस कर सकती है। तो इसके फायदे क्या हैं, रोड को बैंक करने से फायदा नंबर एक, सबसे पहले जो टायर जो हमारी एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास वेलोसिटी जो क्या वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। फायदा दूसरा नंबर फायदा क्या होगा, हमारे पास जो टायर और रोड के बीच जो फ्रिक्शन होगा उससे टायर्स खराब होने के चांसेस भी कम होंगे, अदरवाइज हमारे टायर्स जो होते वो क्या हो जाते जल्दी जल्दी खराब हो जाते। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। नाउ मोशन ऑफ बाइक ऑन टर्न, इसको देखते हैं। जब हम किसी टर्न की बात करते हैं टर्न पर हमें क्या करना पड़ता है, बाइक या साइकिल को मोड़ना पड़ता है, मतलब हम ऐसे जाते हैं और एकदम से इस तरीके से मुड़ जाते हैं। तो जब मुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं सीधे ना जाके थोड़ा सा झुक जाते हैं, कैसे इस तरीके से झुक जाते हैं, उस झुकाव के लिए हमने माना एंगल कितना है थीटा। तब उस टाइम पर बाइक पर या बाइसाइकिल पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, वेट सेंटर की ओर, रिएक्शन फोर्स साइकिल के परपेंडिकुलर आर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो आर के दो कंपोनेंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। बैलेंसिंग कंडीशन की बात करें तो क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और आर साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन वन। इक्वेशन टू, इक्वेशन टू डिवाइड बाई इक्वेशन वन, सो वी विल हैव एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन थीटा। सो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा एंड वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मतलब कि सर्कुलर टर्न पर अगर हमें सेफ्टी से पार करना है तो क्या करें, या तो हम वेलोसिटी को कम रखें, अगर वेलोसिटी को बढ़ाना है तो या तो लॉन्ग टर्न लें या थोड़ा सा बाइसिकल को घुमा दें, फ्लैट ना रख के घुमा दें, जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतने आराम से वेलोसिटी को तेजी से कर लेंगे।